संवेदक संघ भोजपुर जिलावासी की ओर से बढ़हरा विधायक सरोज यादव के जुल्म शोषण और कमीशन खोरी के खिलाफ मशाल जुलूस का नेतृत्व संवेदक संघ भोजपुर जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह एवं सचिव जवाहरलाल यादव के नेतृत्व में संपन्न मशाल जुलूस जेपी स्मारक मूर्ति से शुरू होकर पकड़ी चौक होते हुए वीडियो ब्लॉक होते हुए स्टेशन परिसर में पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। विधायक सरोज यादव के कमीशन के लिए सभी संवेदक शिक्षा विभाग सामाजिक कल्याण विभाग योजनाओं के सभी कार्यान्वयन एजेंसी जैसे स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन ग्रामीण कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग पुल निर्माण विभाग के सभी इंजीनियर से कमीशन मांगते हैं, जिसको लेकर कमीशन नहीं देने पर विधानसभा की कमेटी विजिलेंस निगरानी क्वालिटी मॉनिटरिंग से एक ही योजना को कई बार जाँच कराते हैं, झूठा मुकदमा कर झूठा केस में संवेदकों को फंसाते हैं। सभी संवेदक इन आचरण से तंग और लाचार होकर उनके खिलाफ आंदोलन का विकल्प चुना है। आंदोलन का दूसरा चरण 18/9/19 को जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सरोज यादव के खिलाफ निधि से कराए गए 4 वर्ष की सभी योजनाओं की जाँच मुख्यमंत्री बिहार सरकार सचिव बिहार सरकार जिला पदाधिकारी भोजपुर उप विकास आयुक्त से जांच की मांग करेंगे। इस मशाल जुलूस एवं पुतला दहन कार्यक्रम में काफी संख्या में संवेदक भोजपुर के जिलावासी शामिल रहे। विधायक है सरोज यादव, जिनको जिनसे सारे संवेदक त्राहिमाम है, परेशान है, शिक्षक परेशान है, अधिकारी परेशान है, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार परेशान है, आंगनबाड़ी के लोग परेशान है, वीडियो परेशान है, थानेदार परेशान है, सबसे इनको पैसा चाहिए। हम लोग मांग किए हैं कि सरोज यादव झूठे मुकदमे पर फंसाने का काम करते हैं, हम लोग FIR किए हैं उन पर, संवेदक लोग मिलके जनार्दन यादव एक संवेदक है, उनको तरह तरह के मुकदमे में फंसाने का काम किया जाता है। ये राम बाबू ये बताइए कि प्रशासन जिला प्रशासन किसके तरफ ज्यादा हम लोग अभी हम लोग SP साहब बुलाए हैं, अभी हम लोग को SP साहब बुलाए हैं, हम लोग उनके कार्यालय में जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें हैं। FIR करने के बाद क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई FIR करने के बाद। इसके बाद यदि सुनवाई हो तो क्या करेंगे हम लोग? 18 तारीख को तो पूरा यहाँ धरना है, उसके बाद हम लोग का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिलेगा। बाकी 7 विधायक में दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को मात्र सरोज यादव जो बढ़ारा के विधायक है उन्हीं से लेना देना है। वो सबको परेशान किए हुए हैं, यही हम लोग का कहना है। मुख्यमंत्री के कान में भी बात जानी चाहिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से सबको बताइए। और बाकी कोई पार्टी को पट पट पर जांच करवाया है, जांच करवा के उनके मन की बात को जिगदार कुछ करता है तो उस पर लिख देता है चिट्ठी की, मतलब बराबर एक ही को कितने बार जांच बार कोई निश्चित नहीं है।